तेलंगाना सीएम केसीआर ने सीएए एनआरसी एनपीआर को तेलंगाना स्टेट में अमल नहीं होने देंगे कहा। इस फैसले पर जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी रहमतनगर डिवीजन श्रीरामनगर सैयदना उमर मस्जिद के सामने टीआरएस पार्टी के लीडर्स की जानिब से तेलंगाना सीएम केसीआर के फोटो को दूध से नहलाया गया, साथ में अवाम में मिठाई तकसीम की गई। इसमें शामिल लियाकत अली, सैयद बशीर, मोहम्मद जावेद, शेख खाजा, सैयद उमर, मोहम्मद फयाज, शेख मुबीन, सिकंदर, सिराज, रहीम, अजीज, सुलेमान, चांद, इब्राहिम के अलावा कसीर तादाद में अवाम ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। अरे 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 खाजा भाई, हाँ डाल दो बस, चलो राइट, हाँ डालो, झंडारा बीच हाँ हमारे सीएम हनीमुल केसीआर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स है कि जो बात बोला वो बात पर रह गया है, वैसे हमारे सीएम है। हमारे तेलंगाना में मुसलमान बहुत परेशान थे इस मोदी की तरफ से कि सीए एनआरसी लाए और ये हिंदुस्तान में हलचल मचाए, तो इस बात पे केसीआर साहब ने अपने मीडिया में लगा के प्रेस मीट लगा के बताया है कि यहाँ तेलंगाना में सीए एनआरसी नहीं लगाया जाएगा और असेंबली में इसके खिलाफ बिल लगा के सेंटर को भेजा जाएगा। इसलिए हमने उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सारे मुसलमान इतने खुश है कि बहुत हर आदमी परेशान था कि सीए एनआरसी से क्या होगा। श्री रहमतनगर डिवीजन में आज सारे मुसलमान माइनॉरिटी की तरफ से आज हम केसीआर साहब का कहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। बहुत बहुत खुशकिस्मत है समझते हैं हम कि हमको ऐसा सीएम मिला, ऐसे सीएम साहब जो हमारे को जो एनआरसी और सीए के बारे में जो प्रॉब्लम से जो परेशान थे सारे माइनॉरिटीज, हर कोई हर मजहब वाला परेशान था हैदराबाद शहर में, क्या पूरे तेलंगाना पूरे इंडिया में, पर हमारे तेलंगाना के केसीआर सीएम साहब हमको ये बात करके खुश कर दिए कि अपने पास ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई लागू करने नहीं देंगे हम तेलंगाना के बादशाह है, कोई मोदी या कोदी कोई कोई नहीं चलेगा यहाँ पर, वो सेंटर में रहेंगे, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं होगा और हम इसको लागू नहीं करेंगे और हम आप लोगों के माइनॉरिटी के साथ है और एनआरसी के बारे में हम असेंबली में भी बिल लगाएंगे बोल के जो परसों बात करें केसीआर साहब। सारे मुसलमान सारे हर मजहब के लोग खुश है क्योंकि हमारे तेलंगाना में मिलजुल के
जो हर कोई रहते थे वैसे जगह है कि मोदी सरकार जो बीजेपी पार्टी जो ये बेफजूल के जो मसले निकाल कर हर किसी को परेशान कर दिए, जो हमारे साथ में दोस्त रहते थे हिंदू मुस्लिम, आज हम खुद एक को एक अलग नज़रिया से देखना पड़ रहा। इसलिए ऐसी गवर्नमेंट ऐसी हुकूमत को इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में तो किसी हाल उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन अब तो हम केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। बहुत अच्छे सीएम साहब है, बहुत शुक्र अदा करते हैं।